इफ यू आर ब्राइड टू बी देन दिस वीडियो इज फॉर यू बिकॉज इसमें मैंने प्री ब्राइडल फेशियल कराया, सिर्फ अपने घर पर बैठ के, कहीं जाना भी नहीं पड़ा एंड इतना अमेजिंग ग्लो आया विथ प्रूफ मैं आपको दिखाने वाली हूँ बिफोर एंड आफ्टर, तो पूरी वीडियो जरूर देखना। एंड गाइज, ब्राइड हो यार, ग्लोइंग तो करना है, क्योंकि अगर फेस ग्लो नहीं करेगा तो मेकअप सेट कैसे होगा अच्छे से। सो लेट्स स्टार्ट इट। हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। आप लोगों को ऑलरेडी टॉपिक से पता लग गया होगा कि आज हम क्या करने वाले हैं। लाइक वी आर डूइंग अ प्री ब्राइडल फेशियल, और वो इसलिए कर रहे हैं लाइक अब जैसे वेडिंग सीजन आ रहा है, बहुत सारे लोगों की वेडिंग्स है एंड आई एम ऑल्सो डूइंग दिस बिकॉज आप लोगों को पता है कि जब है ना वेडिंग सीजन के आसपास आप लोगों को बहुत सारा मेकअप भी करना पड़ता है एंड यू डोंट हैव अ गुड स्किन एंड गुड स्किन केयर, तो आपका मेकअप ना सेट नहीं होता। अगर आपकी स्किन अच्छा बिहेव कर रही है, योर मेकअप सेट्स वेल एंड लुक्स वेल, तो वो ये है कि आपका मेकअप अगर अच्छे से सेट नहीं होगा तो आप अच्छे नहीं दिखोगे शादी और जितने भी फंक्शंस होते हैं वेडिंग के। इसलिए ये सारे ना प्री ब्राइडल फेशियल वगैरह इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आपकी खुद की शादी है तो प्लीज़ आप ना ये वाले स्टेप्स स्टार्ट कर दीजिए करना, बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज। अगर आप लोगों का 2 मंथ या 3 मंथ जैसे भी वेडिंग स्टार्ट होंगी उसके बाद आपकी शादी है, तो प्लीज़ स्टार्ट कर दीजिए, अभी वो टाइम है, बिकॉज उसके बाद ना आपको शादी पर रिग्रेट होगा, यार मेरे तो स्किन ऐसी लग रही है एंड इसके ऊपर मेकअप और गंदा लग रहा है। तो उसलिए ना आप लोगों को, अगर आपकी स्किन एकदम प्लेन कैनवस की तरह अच्छे से चमक रही होगी तो आप लोगों को लगेगा कि इसके ऊपर अगर आप मेकअप करोगे वो भी अच्छा लगेगा, तो इसलिए ये वीडियो बनाई जा रही है। तो लेट्स स्टार्टेड। फॉर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई हैव टू थैंक भारती फॉर कमेंटिंग ऑन माय वीडियो, एंड इफ यू आर न्यू इन दिस वीडियो तो हाय, आई एम शीतल, आई मेक अ ब्यूटी फैशन एंड लाइफस्टाइल रिलेटेड कंटेंट, आई होप यू गाइज लाइक्ड इट। चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, लेट्स स्टार्ट इट। सो पहला स्टेप है हमारा क्लीनिंग। तो क्लीनिंग क्यों इम्पोर्टेंट होती है बिफोर डूइंग एनी स्किन केयर, बिकॉज आप किसी भी गंदे कैनवस पे तो पेंटिंग नहीं कर सकते हो, जो ऑलरेडी मैंने बताया है। अगर आप क्लीनिंग नहीं करोगे, आपके जितने भी डेड सेल्स हैं या जितने भी आपके स्किन पे पोल्यूशन है वो सबको नहीं हटाओगे, तो वो है ना आप लोगों का जो भी आप आगे करने वाले हो फर्दर एक्सफोलिएशन वगैरह वो अच्छे से नहीं हो पाएगा, इसलिए क्लीनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फॉर क्लीनिंग आई एम यूजिंग अ निविया का फेस वॉश, एंड आप लोग अपना फेस वॉश यूज़ कर सकते हो, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि इफ़ यू आर ब्राइड तो प्लीज़ आप लोग जो पहले से यूज़ कर रहे हो ना वो ही प्रोडक्ट यूज़ करो जो आपकी स्किन पर अच्छा बिहेव करती है, बिकॉज इफ़ यू आर यूजिंग अ समथिंग न्यू एंड क्या पता वो आपकी स्किन पे रिएक्ट कर दे, उससे है ना आपके और ज्यादा पिंपल्स वगैरह हो जाए, तो ये वाली चीजें नहीं यूज करनी है, बिकॉज पिंपल हो जाए या कुछ भी हो जाए, रिएक्शन हो जाए आपके फेस पे, वो नहीं होना चाहिए। इसलिए अगर आप लोग ब्राइट हैं तो प्लीज अपना जो पहले से यूज कर रहे हैं क्लेंजर वो ही यूज करें। सेकेंड स्टेप है हमारा एक्सफोलिएशन। एक्सफोलिएशन क्यों इंपॉर्टेंट है, आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे कि हमारे फेस पे जितने भी डेड सेल्स होते हैं वो सारे क्लीन हो जाते हैं। इवन आप लोगों ने ना बहुत लोगों को देखा होगा कि किसी के ना यहाँ पे नोज के पास में काफ़ी ज़्यादा डेड सेल एक्यूमुलेट हो जाते हैं, तो वो भी क्लीन हो जाता है, अच्छे से एक्सफोलिएट हो जाता है। इवन इसके अलावा आपके चेहरे को ना वो ब्राइटन अप कर देता है, क्योंकि जितने भी आपके डेड सेल थे वो तो निकल गए ना, तो आपका चेहरा अंदर से ब्राइटन अप होता है। तो उसके लिए हमें क्या क्या करना होगा चलो करते हैं। उसके लिए आपको 2 इंग्रेडिएंट लेने होंगे। पहला है आपका टमाटर, टमाटो लेना है आपको एंड देन हनी लेना है। तो आपको आधा टमाटो लेना है, क्योंकि आपको अपने फेस और नेक पे ही लगाना है, आधे टमाटो से हो जाएगा, ज्यादा जरूरत नहीं है। आधा टमाटो ले लो, उसका रस अच्छे से निकाल लो, जो उसके बीज वगैरह है जो उसके होते हैं ना टमाटर के बीज, वो भी डाल देना एंड जितना थोड़ा सा हनी डालना है आपको, देन उसको अच्छे से मिक्स करके अपने फेस पे अप्लाई करना है। आपको 2 to 3 मिनट तक उसे रखना है ऐसे ही, देन उसके ऊपर अगर आपका वो जो आपने बनाया है रेसिपी वो बच गया है, देन उसे रीअप्लाई कर लो, क्योंकि वो आपके ना फेस को अच्छा ही करेगा, बेकार नहीं करेगा। एंड मैं पहले ही बोलना चाहती हूँ कि अगर किसी को, जैसे बहुत सारे लोगों को ना जैसे दही से एलर्जी होती है, टमाटर से भी अगर किसी को एलर्जी है, तो आप लोग मत करना, आप लोग पहले ना पैच टेस्ट वगैरह कर लेना बिफोर डूइंग दिस, क्योंकि इसमें ना टमाटर में एक माइल्ड एसिड होता है, वो इतना बड़ा नहीं होता लेकिन माइल्ड एसिड होता है जो आपकी स्किन पर, मेरे को तो आज तक रिएक्ट नहीं करा, क्योंकि मैं बचपन से ये सब कर रही हूँ, कभी टमाटर घिसती थी कभी कुछ, लेकिन मेरे को तो नहीं करा। अगर आप लोगों को रिएक्शन होता है तो प्लीज़ इसे स्किप कर देना इस वाले पार्ट को, एंड
स्किप कर देना, या फिर आप लोग कुकुम्बर होता है खीरे का रस वो लगा लेना, वो तो किसी को रिएक्शन नहीं करता होगा। सोयास उसे अच्छे से रखना है आपको, जैसे ही 2 से 3 मिनट होते हैं आप लोगों को स्टीम लेना है। थर्ड स्टेप में स्टीम ले लीजिए, अगर आपके पास स्टीमर है वेलन फूड आप स्टीम ले लीजिए, अगर स्टीमर नहीं है तो आप ये वाला जो मेरा मैं प्रोसेस फॉलो कर रही हूँ वो कर सकते हैं। इसमें आपको क्या करना है, एक मग्गे में आपको थोड़ा सा गर्म पानी लेना है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं लेना कि आपका हाथ जल जाए या कुछ ऐसा हो, थोड़ा सा गर्म पानी लेना है। एंड देन जो आपका माइक्रोफाइबर हैंकी या क्लॉथ है उसे उसमें डिप करना है, निचोड़ना है, देन आपको ऐसे ऐसे हल्के हल्के हाथों से प्रेस करना है, ठीक है। एंड सेम पूरे फेस पे करेंगे, फेस पे करने के बाद देन हल्का हल्का उसे वाइप ऑफ करते जाएंगे, जो आपने इससे पहले वाले स्टेप में लगाया था वो सारी चीज़ को आप निकालते जाओगे। उससे ये होगा कि आपके जितने भी ओपन पोर्स थे उन पर वो इफेक्ट करेगा, इवन जितना भी आपका डेड सेल्स वगैरह रह गए थे, अगर कोई कोई एक्सफोलिएशन में रह गए वो अब निकल जाएंगे, वाइप ऑफ हो जाएंगे आपके जितना भी कर रहे हो। तो ये वाली स्टेप जरूर फॉलो करना। एंड चलते हैं हमारी फोर्थ स्टेप। सो फोर्थ स्टेप है आप लोगों को क्या करना है, पोटैटो लेना है। आलू तो सबके घर में मिल जाता है, आलू तो जान होती है सबके घर की, तो आलू लेना है उसे आधा काटना है, देन उसे पोक करना है आपको किसी चाकू से अपने या फिर अपने नेल्स का यूज कर सकते हो। देन आपको स्क्रब करना है पूरे फेस पे, हल्के हल्के हाथों से करेंगे, बहुत जेंटली करेंगे, अपने मतलब अपनी स्किन के साथ एकदम ऐसे नहीं करेंगे, इरिटेट नहीं होना है, बहुत जेंटली से स्क्रब करना है। जितने भी आपके डार्क सर्कल या डार्क एरिया है हाइपर पिगमेंटेशन को वो हटाएगा, इसलिए जेंटली जेंटली प्यार से करो। पूरे फेस पे करना है, नेक एरिया पे करना है, नेक को कभी नहीं भूलना। अगर कोई भी प्रोसेस करते हो लाइक आप स्किन केयर कर रहे हो या फिर आप मेकअप कर रहे हो, अपनी नेक को कभी मत भूलो, क्योंकि फिर वो इंडिया पाकिस्तान लगता है अलग अलग लगेगा, इसलिए हमेशा अपनी नेक पे भी करना है सारे प्रोसेस को, तो बहुत जेंटली जेंटली करना है। फिर 2 से 3 मिनट तक आपको कुछ नहीं करना, उसका जो रस है वो अपना काम करता रहेगा जो आपने स्क्रब करा है, देन उसे अच्छे से थोड़ी देर बाद नॉर्मल पानी से वाइप ऑफ कर देना है। एंड चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। सो नेक्स्ट स्टेप है आपको क्या करना है, हमारा फिफ्थ स्टेप है ये, एग वाइट लेना है। एग वाइट लेके आपको अपने फेस पे पतली पतली लेयर, क्योंकि वो लेयर दिखती भी नहीं है, एग वाइट की एंड उसे लगाना है, फिर 2 से 3 मिनट रखना है, फिर एक और लेयर लगानी है। एंड उससे क्या होगा कि आपकी स्किन ना थोड़ी टाइट सी होगी, लाइक जैसे आप लोगों ने अगर बेसन वगैरह लगाया वो सूख जाता है, या मुल्तानी मिट्टी लगाई है वो सूख जाती है, आप लोग को लगता है ना आपकी स्किन एकदम टाइट टाइट हो रही है, एंड क्योंकि है ना फिर वो आपकी स्किन को टाइटन अप करता है। तो अगर आप एग वाइट नहीं लगाना चाहते हो तो आप सेकेंड स्टेप ये कर सकते हो, आप मुल्तानी मिट्टी का यूज़ कर सकते हो, वो भी सेम टाइटन अप करने के लिए यूज होती है एंड क्लीन करती है। तो ये वाली चीज़ है ना, आप एग वाइट, बहुत सारे लोग होते हैं जो एग्स नहीं यूज करते, ना खाने में यूज करते हैं ना फेस पे यूज कर सकते हैं, इवन कच्चा एग तो स्मेल भी करता है, बहुत सारे लोगों को उससे भी प्रॉब्लम होती है। तो इट्स ओके अगर आप लोग नहीं कर सकते, आप ना बेसन में थोड़ा सा हनी डाल के एंड उसे लगा लो, या फिर पानी डाल के लगा लो, डायरेक्ट पतला पतला लगाना है आपकी सियर कवरेज से, तो वो जैसे ही टाइट होता है आपकी पूरी स्किन को टाइटन अप करना चाहिए, क्योंकि आपकी स्किन टाइटन अप होगी तभी वो अच्छे से ऐसे हेल्दी सी लगेगी, धोने के बाद ऐसा लगेगा वाव यू फील अमेजिंग, ठीक है। जैसे ही आपकी पूरी स्किन टाइटन अप हो गई, आपको ऐसा फील हो रहा है कि टाइट टाइट लग रहा है, पूरा सूख गया आपने जो भी लगाया है, देन वो उसको वाइप ऑफ कर देना है, बहुत प्यार से करना है, जेंटली करना है, बिल्कुल अपने ना चेहरे से एकदम कुश्ती नहीं लड़नी है, बहुत प्यार से ही करना है, ठीक है। एंड इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट, तो हमारे नेक्स्ट स्टेप में हम करने वाले हैं, आप लोगों को लेना है ओट पाउडर, ठीक है, एंड इसके अलावा टर्मरिक लेनी है, एंड उसमें डालना है 1 चम्मच आपको एलोवेरा जेल। टर्मरिक आपको सिर्फ तुलसी डालनी है, पिंच ऑफ टर्मरिक डालना है, ऐसा नहीं बहुत सारा डाल दिया, पिंच ऑफ टर्मरिक डालनी है, ओट पाउडर डालना है, एलोवेरा जेल डालना है। एंड मैंने इसमें लेमन नहीं डाला है, जस्ट बिकॉज मेरे ना फेस पर रिएक्शन होता है लेमन से, वो मेरे को लगता है मेरी फेस के अकॉर्डिंग वो ज़्यादा एसिडिक हो जाता है, दैट्स वाई। एंड अगर आपको लेमन सूट करता है तो आप थोड़ा सा लेमन भी डाल सकते हो, क्योंकि वो एंटी ऑक्सीडेंट होता है एंड वो आपकी स्किन के लिए अच्छा होता है, इसलिए। तो आप लोगों को जस्ट इतना करना है, जो आपने वाइप ऑफ कर दिया था उसे अच्छे से अपने हाथों से, जो आपने पेस्ट बनाया उसे अच्छे से अपने हाथों से लगा दो, 5 से 10 मिनट रुक जाओ, वो अपना काम कर देगा, देन उसे अच्छे से निकालना। यू गाइस लुक द डिफरेंस, लिटरली आप लोगों को
डिफरेंस दिखाई दे जाएगा फर्स्ट में और अपने नेक्स्ट स्टेप में आप लोगों को क्या करना है, एलोवेरा जेल लेना है, ग्लिसरीन लेनी है, लेमन, अगर आप लेमन लगाते हो तो लेमन ले सकते हो, मैंने लेमन नहीं डाला था, इससे पहले वाले स्टेप में भी नहीं डाला था, इसमें भी नहीं डाला है। एंड इसके अलावा आपको गुलाब जल डालना है, ठीक है, एक एक स्पून सारी चीज़ डाल के अच्छे से मिक्स करके देन अप्लाई करना अपने फेस पर। एंड क्योंकि वो आफ्टर जितना भी आपने लगाया फेस पैक वगैरह वो सब कुछ लगा लिया, अब आपकी ना थोड़ी स्किन ना टाइटन अप हो गई होगी, ऐसा लग रहा होगा ड्राई ड्राई सा फील हो रहा होगा। अगर आपकी ड्राई स्किन है ऑलरेडी तो आपको और ज़्यादा ड्राई फील हो रहा होगा, अगर आपकी ड्राई स्किन नहीं है फिर भी आपने जो अभी मैंने सारे इन्ग्रीडियंट बताए थे वो सब लगाए थे उसके बाद थोड़ा थोड़ा ड्राई फील होता है फेस, तो उसमें आपकी स्किन को थोड़ा सा मॉइस्चराइज मॉइस्चर देने के लिए हम इसमें ग्लिसरीन वगैरह सब कुछ डाल रहे हैं, तो ये आपका ना पूरे पूरे स्किन को काफ़ी अच्छे से मॉइस्चर कर देगा। एंड उसे अच्छे से लगा लेना है, पहले एक कोट लगाना है फिर दूसरा कोट लगाना है अगर बच जाता है तो उसे अच्छे से लगा के 2-3 मिनट रखना है देन वाइप ऑफ कर देना है, ठीक है, सिर्फ इतना है इसमें। एंड इसके अलावा आप जैसे ही अगर आप दिन में कर रहे हो तो इसके बाद डायरेक्ट आप नहाने चले जाओ एंड नहा धो के आके देन मॉइस्चराइजर आप अप्लाई कर सकते हो। एंड सेम चीज़ मैंने करी थी, मैंने ये सब कर लिया देन मैं नहाने चली गई देन मैंने मॉइस्चराइजर अप्लाई करा उसके बाद, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। सो लास्ट स्टेप है, आप लोगों को जस्ट क्या करना है, सनस्क्रीन अप्लाई करनी है। अगर डे टाइम में आप ये प्रोसेस कर रहे हैं तो जस्ट सनस्क्रीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, किसी को नहीं भूलना। अगर आप ब्राइड है तो आप लोग जरूर ट्राई करिए एंड ट्राई करिए जब भी आप बाहर जा रहे हैं तो सनस्क्रीन लगा रहे हैं एंड दिन में एक बार तो लगा ही रहे हैं एंड बाहर निकल रहे हैं क्योंकि शॉपिंग वॉपिंग बहुत ज़्यादा होने वाली है, तो सनस्क्रीन कभी मत भूलना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सनस्क्रीन। यही था अभी तक का वीडियो, आई होप यू गाइज लाइक्ड इट एंड ट्राई करके जरूर बताना कैसा रिजल्ट आया, बिकॉज आई रियली वॉन्ट टू नो कि आप लोगों के ऊपर कैसा आ रहा है, बिकॉज ये वाला मैंने ये वाला प्रोसेस किसी यूट्यूबर को ही करते हुए देखा था देन ये मेरे पे लिटरली मेरे पे काफ़ी अच्छा टर्न आउट हुआ, देन आई थॉट कि वाई आई एम नॉट शेयरिंग विद यू। एंड मेरी जो प्री ब्राइडल सीरीज है उसमें ये पार्ट भी है, तो आई वॉज लाइक कि ठीक है भाई आप लोगों के साथ भी तो शेयर करना चाहिए। हाय बनो रे बनो मेरी चली ससुराल को अखियों में पानी। सो बिफोर एंडिंग दिस वीडियो, अगर आप ब्राइड हो तो आप लोगों को ना थोड़ा बहुत मेकअप तो आना चाहिए एंड अगर आप लोगों को मेरा ये वाला जो मेकअप मैंने ऑलरेडी वियर कर रखा है आप लोगों को पसंद आ रहा है तो आप मेरी ना ऐसी मेकअप वाली वीडियोस आप चेकआउट कर सकते हो इस वाली जो मेकअप सीरीज है उसमें, एंड यू गाइज गोना लव दिस एंड यू गाइज रियली लर्न द होल एंटायर थिंग, क्योंकि मैंने इसमें अपना पूरा मेकअप ट्यूटोरियल टाइप डाल रखे हैं, तो आई होप यू गाइज लर्न दिस। एंड आप अगर चाहते हो कुछ ब्राइड रिलेटेड मेकअप देखना एंड थोड़ा फन चैलेंज देखना आप ये वाली सीरीज देखिए, यू गाइज लव दिस। एंड वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। बाय।